हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड वाचिंग माय चैनल द टेक अबी। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स इन सी। तो आज हम नोटपैड में कोडिंग करेंगे। मैं नोटपैड में कोडिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोड ठीक से क्लियर दिखाई दें, बिकॉज टर्बो सी में उतना क्लियर नहीं दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम डालेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। फिर डालेंगे हैश इंक्लूड conio.h। फिर हम डालेंगे void main फिर ओपनिंग कर लिए बैकेंड। फिर हम डालेंगे क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे अभी हमें तीन वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल इनपुट के लिए और एक वेरिएबल आउटपुट के लिए। तो हम ये तीन वेरिएबल इंटीजर में बनाएंगे। तो फर्स्ट हमें डालना होगा int a b c एंड सेमीकोलन। अभी हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो फर्स्ट हम डालेंगे printf डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर स्लैश n इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। Enter 2 integer values is equals to double inverted comma फिर सेमीकोलन डाल के बंद। और फिर अभी हम डालेंगे यूजर से वैल्यू लेने के लिए scanf डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर %d फिर स्पेस डाल के और एक %d। फिर डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। फिर कॉमा डाल के जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल के अंदर हमें इनपुट स्टोर करना है वो इसलिए % है। और उसके बाद हम डालेंगे %b हमारा दूसरा वेरिएबल लोकेशन। और उसके बाद सेमीकोलन डाल के स्कैनफ स्टेटमेंट का एंड। अभी हम अपना फॉर्मूला डालेंगे एडिशन के लिए, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। जो हमारा इस फॉर्मूला डालते हुए एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा आंसर जो है वो लेफ़्ट साइड में रहे और जो हमारा बाकी का जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो राइट साइड में, लाइक ए प्लस बी ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो राइट साइड में। सो अभी हमें जो आउटपुट है वो यूज़र को देना है, इसलिए हम आउटपुट देंगे यूज़र को printf /n the sum of % d and % d is %d। the sum of % d and % d is %d। जो हमने फर्स्ट %d डाला है वो a के लिए डाला है, इसलिए मैं लिखूंगा a फिर b फिर C और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। अभी गेट ch डाल के हम प्रोग्राम बंद कर देंगे सेमीकोलन फिर प्रोग्राम बंद। तो ये कोड मैंने पहले से टर्बो C++ में करके रखा है, तो मैं सीधा वापस जाके रन करूँगा। ये देखिए हमारा कोड ओपन हो गया है, तो अभी मैं इसको रन कर देता हूँ Ctrl F9 दबा के। अभी मैं फर्स्ट अपना नंबर डालूँगा 20, उसके बाद 30 सेकेंड नंबर। देखिए मेरा आउटपुट आ गया है 50। हम ऐसे ही अगर प्लस की जगह पे अगर हम फॉर्मूला चेंज करें और उसकी जगह पे माइनस के लिए साइन डालें या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन डालें, तो हम सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बना सकते हैं, डिवीजन के लिए भी बना सकते हैं। मैं माइनस डाल के दिखा देता हूँ आपको एक प्रोग्राम रन करके। देखिए मैं अपना फर्स्ट नंबर डालता हूँ 40 और उसके बाद 20, तो देखिए मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर आता है 20। सो ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, बस फॉर्मूला चेंज करना है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।